अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पर पबजी टेस्ट गेमिंग रिव्यू हम करने वाले हैं यहाँ पर क्यू मोबाइल क्यू स्मार्ट ब्लेज का, जो कि काफ़ी डिमांड आ रही थी कि भाई इसका पबजी टेस्ट भी दिखाइए। हालांकि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि प्रोसेसर ही अच्छा नहीं दिया गया। यहाँ पर इस फ़ोन की प्राइस जो है क्यू स्मार्ट ब्लेज की वो है 23,000 रुपये, 4GB 64GB। प्रोसेसर स्पीड्रम का दिया गया है 9863A वाला, 5000mAh की बैटरी, 10W की चार्जिंग है। डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है 60Hz वाला एक सिंपल, ब्राइटनेस भी नहीं है, ब्राइटर डिस्प्ले नहीं है, नॉर्मल ही डिस्प्ले दिया गया है, मतलब कि अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले नहीं है। टच रिस्पॉन्स भी इतना खास काम नहीं करता, बट यहाँ पर डिस्प्ले पर बैटरी देखिए दोस्तों 46% रिमेनिंग है। देखते हैं कितना बैटरी का खर्चा होता है। जायरोस्कोप तो खैर अवेलेबल नहीं है इसमें, क्योंकि होना भी नहीं चाहिए इतनी प्राइस रेंज के हवाले से। वैसे हो तो ज़्यादा बेहतर है, प्रोसेसर अब क्या करे, कितना का सपोर्ट करे। स्मूथ में मीडियम और बैलेंस में भी मीडियम में ही प्ले कर पाएंगे हम इस गेम में। दोस्तों यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट हो गए हमें प्ले करते हुए। बहरहाल भाई टच रिस्पॉन्स और यहाँ पर प्रोसेसर ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। ये देखिए लैग बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं, किस तरह प्ले करें हम। मैंने बस ऑडियंस की डिमांड पर, व्यूअर्स की डिमांड पर, फ्रेंड्स की डिमांड्स पर भाई मैंने स्पीड ये बनाया है यहाँ पर पबजी टेस्ट। मुझे पता था इसमें इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा, ग्राफिक्स बिल्कुल लो हैं और ब्लरी ब्लरी सी ग्राफिक्स हैं। डिस्प्ले भी बिल्कुल यहाँ पर, ये देखिए बंदा मार ही दिया आपने, फाइनली वायरल किया, क्या कर सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है, अभी नए नए फ़ोन की कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अभी परफॉर्मेंस वाइज मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा अभी फिलहाल के लिए भी, आगे क्या अच्छा जाएगा, कौन सा इसमें प्रोसेसर अच्छा डाला है इन्होंने। ये लैग चलते हुए भी लैग कर रहा है, बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। तो हम थोड़ी देर इसे टेस्ट करेंगे भाई, क्योंकि टाइम लंबे तक चलने वाला नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस बिल्कुल ही नॉर्मल जा रही है, अब तक नॉर्मल से भी कम कह सकते हैं परफॉर्मेंसेस की, क्योंकि ग्राफिक्स बिल्कुल लो है। मीडियम में प्ले कर सकते हैं, ज़्यादा का ऑप्शन नहीं दिया। ये देखें वो प्ले ही नहीं हो रहा, वो किल ही नहीं कर पा रहा सही से, फायरिंग ही नहीं हो रही सही से।
यहाँ पर दोस्तों पबजी टेस्ट हो गया है हमारा कंप्लीट। यहाँ पर फुल ब्राइटनेस हमने प्ले की हुई थी, फिर भी जो है ब्राइटनेस हाई नहीं थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्राइटनेस फिर भी नॉर्मल ही थी। यहाँ पर हमने 19 मिनट तकरीबन 19.5 मिनट ही लगा रहे हैं, 40 सेकंड, क्योंकि 15-16 सेकंड ऊपर हो गए। तो पबजी के लिए नहीं है भाई ये फ़ोन, गेमिंग के लिए नहीं है। पर हाँ सबवे सर्फर वगैरह का चलाएंगे, उसमें भी हैंग करेगा क्योंकि कैमरा चलाने में बहुत हैंग कर रहा था। यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन प्ले करें तो उसमें हैंगिंग की प्रॉब्लम। प्रोसेसर अपग्रेड करना चाहिए था दोस्तों, मतलब कोई अच्छा प्रोसेसर 28 नैनोमीटर वाला नहीं लगाते, वो पुराने दौर का 1999 वाला लगाया है। तो गर्म भी हो गया है फ़ोन, हालांकि सर्दियाँ हैं, 19 डिग्री इस वक्त टेम्परेचर और कमरे का टेम्परेचर 21 डिग्री है। तो उस हिसाब से भाई मुझे तो पसंद नहीं आया बिल्कुल ये फ़ोन पबजी के मामले में। यहाँ पर अगर बैटरी देखिए तो बैटरी 6% ड्रेन कर गया है, मतलब कि 20 मिनट में 6% बैटरी का खर्चा। थोड़ा सा और प्ले करेंगे मतलब कि 5-6 मिनट तो ये 4-5% गिरा देगा बैटरी में। ये काम नहीं करने वाला सही दोस्तों गेमिंग के मामले में, या वैसे डे टू डे यूज के लिए भी, क्योंकि प्रोसेसर इसका हल्का है तो बैटरी को ज़्यादा ड्रेन कर सकता है और भी। तो आपको कैसा लगा ये फ़ोन ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़्यादा हमसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।